नमस्कार परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, उनके साथ आए अतिथिगण एवं मेरे स्थानीय जनता, हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गौड़ुआ के बच्चे आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि दहेज प्रथा पर आधारित है। तो आइए देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपकी सुधार। तो आज हम इस नुक्कड़ नाटक में देखेंगे कि इस समाज में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं। अम्मा अम्मा, मुझे पैसे दे। मुझे चाहिए पैसे। अम्मा अम्मा, मिंजब दिया पैसे। मिंजब चाहिए कॉपी। मंगे नहीं है पैसे। मिंजब चाहिए पैसे। तुम्हें तीस सब दिते। तीसता तू ता तीसता के जाए मेरे घर चलाना। तू ता कल्ला प्रांत भी होई है नहीं। तो क्या है अम्मा, मिंजब देने तुम्हें पैसे। मंगे नहीं है पैसे। पूछे जा अपनी मम्मी ते मांग। नहीं मिंजब तुम्हें गए चाहिए। मंगे नहीं है पैसे। तीसो तो दे ते तीसता पार्टी के नहीं थी ना पैसे। अरे मैं तो कॉपी लैनी। मम्मी जी तू हिसाब है दे सकते है। मंगे नहीं है पैसे। तो कहीं नहीं है तुझे इसो दे दे खान दे सकते है। कल्ला परंतु आगे जाए मेरा घर चलाने। तो कल्ला परंतु भी होइए नहीं। इस नहीं चलाना तुम्हारा घर ना। इस तुम्हारे घर कुछ नहीं करना आता है। जब लड़की 18 साल की हो जाती है तब लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता। ओए संभल के रह। आरती जल्दी आ गया। ओए क्यों मार खाता है तू? तू क्यों रोज आ जाता है मेरे पीछे? क्योंकि तू मुझे बहुत पसंद है रे। ओए दूर से बात कर। सीढ़ा जल्दी आ गया। आरती आई? क्यों यार? कुछ नहीं। मुंह कोई लटका रहा बहुत मिंजो का दस। नहीं मम्मी कुछ नहीं होया। नहीं तू बहुत मिंजो का नहीं। क्यों होया? मम्मी से आज मैं कॉल जा गए रही ना तो से खड़कुरा मुन्नू नहीं आ तीन से मिंजो छेड़ना लग रहा था। अच्छी जो कन छेड़ने लग थे। क्या बोल दे अपनी दादी आ लगा ना पता था चुपे रहे यहाँ की तब पता नहीं गल्ला सुनानी दे दादिया ठीक है। हाला मिंजो लगी है पता ना चले। अम्मा रे रे अम्मा अम्मा तू साइक सीक्रेट दा दसू। तू सीक्रेट कितने चले अम्मा अम्मा तेरी सीक्रेट नहीं। केड़ी वाली सीक्रेट? राजा दी गल सुना। चल दे से तुम्हारी पोतरी नी अच्छा खोल जा गे रही ब्याह दा अना तसे खड़क सिंगर खड़कू दे मट्ठा के नाम है जे ब्याह अना तसे तसे छेड़ना रे। अच्छा अच्छा तसे खूब मारा ठहर ठहर मेरा नाम बदल दे ठीक है ठीक है।
आरती है, क्या हो आरती है? अंजी दादी तुम्हें सद्दी? मैं सुने थी जो आज खड़क सिंगर खड़कू छेड़ने लर था। नहीं दादी कुछ नहीं कहती ने था। सुनिया मेरा? नहीं दादी है ना तो कुछ भी नहीं होया। चले चले। मम्मी मम्मी दादी तो मैं लग रही। क्यों या? तो ही लेली मम्मी की बात सही था। लेने कम बगर की तो मैं माननी नहीं तो और क्या करना? क्या कितने से? खड़क सिंगर खड़कू से छेड़ने लर था। तेरी सारी गलती होनी सा छेड़ने लर थे। नूए ओ नूए एथियो याला। हां जी मम्मी जी। मैं सारी सता तो पराना मट्टा फौजी है ब्योई दे पर बासे। मैं नहीं ब्योनी अपनी बेटी, मेरी बेटी आली आगे पढ़ना। इस आगे पढ़ आगे पढ़ करके भाई दे सब कोई फायदा नहीं सब पढ़ाई करने ब्यो परे। मैं नहीं ब्योनी अपनी बेटी, मैं बैठा ले पहले मैं तेरा पूछी लांदी। ठीक है पूछियो। हेलो हेलो मैं सुनया तुसे मेरी बेटी आ रिश्ता कराई था। तो मैं क्यों सुनया थी सा मट्ठे लगर थे छेड़ना? तो उन तिहारी गलती से तिहालर थे छेड़ना। तो के मेरी गलती मैं भेजदा थी सा तैयार करी कने की तू भेजदी तेरी यही तेरी शांत बनी के जानदी उन थी ना से जी छेड़ने लगर थी ना बोलदा ना तुसे। अच्छा तेरा मतलब है भाई मेरी मम्मी झूठ लग रही बोलना है ना? तुम्हारी मम्मी हारी के गल्लारा पहाड़ बनाई तो मैं क्या करना हूं? ज्यादा जवान मत चला और तो चुप रहना चाहिए ठीक है ना? तै क्या हर गल्ला में जोरता चुप पे रहंदी गलाई नहीं सकती? ज्यादा मत गलाए मैं बोली ते सब योगन परे कर ठीक है तू। जब लड़की की शादी हो जाती है उसके बाद मम्मी मम्मी। हाँ मुन्नू बोल। खाना बना रहा कम्मन जाना में? मैं बनाना की तेरी लाड़ियों बनाना खाना। साली उठ रही नहीं पड़वा गर्मी या लाड़ियों जदी सा उठाड़ हूँ मेरी गलती नहीं तो अपनी लाड़िया बोल। खैरा पूछ दादी सा मैं खड़े जा। आरती आरती उठती नहीं? अंजी क्या देरी करना ताल की सुतरी? तो क्यों या खाना बनाना मैं बनाना खाना तो बनाएंगी हूँ पैसे खर्चने खरी बांडे फोड़ने खरी बांडे लगता पता ताले कितने पैसे लगते कमाने आए नहीं। मम्मी तू से सिखाई कर ऐसा ऐसा मम्मी तो कुछ सिखा रहा नहीं ठीक है मैं चल रहा कम्मा। ठीक है मम्मी मम्मी भी मुझे पकड़ना तो इतना मेरी की गलती से पकड़ने लग रहे थे तिजो की उठी नहीं हुंदा था तो मैं तो उठी आना था थुआ उठा लिए तिजो की अपो नहीं हुंदा उठी मम्मी उठा जायो थी थुआ भी उठा लिए तो हुण तू मिये तेरी मम्मी ये भी होई तेरी तो हुण तिजो अपू अपू उठना पौना इत्थी। क्या है मम्मी तू अभी तो मेरी माँ है। चल चल तिसो खाना बना तिस कम्मा जाना। अगले दिन आरती आरती आली भी सुत रही है। अंजी क्या बोलते हैं मैं तेरी मम्मिया से पैसे मांग रहे थे थोड़े दे तो मैं उन मम्मिया फोन कर की तो तेरी ना कुत्ते करने मेरे कुत्ते करने 1 लाख तो मंग रहा था ज्यादा तो मंग रहा था 5-6 लाख तो गरीब ऐसे अमीर थोड़ ना इतनी ना जट दे यार तू हां पैसे हां मुझे पता है कितने गरीब है तेरे दादी तो बोले बोले ऐसे खरा पैसे देने वाले तो ते ही तो जीत रहे थे काले जीत रहे मेरा बिजनेस डूबना लगी है रोना से मैं नया बिजनेस खड़ा करना। इतना बार सोना तो जीत रहा था मेरे ब्याह में। कितना सोना जीत रहा था? 4 तोला सोना जीत रहा था बस। तो क्यों है इतना भारी तो ऐसे मिंजु कन जवान ना खेल बनाना मिंजु कने मम्मी। हाँ मुन्नू बोल। ए ज्यादा जवान लग रही चलाना आज मैं 10-20 साल चला था जवान करीवा तू ज्यादा जवान चलानी मुझे सामने
छड़ी दिया मिंजो ये छड़ी दिया ए 20 तरह तेरे बाप हुए दी तरह जो तू सोई रंग दी छड़ी दिया मैं मम्मी आप फोन के लिए कितनी ज्यादा अपनी मम्मी है मत बोली कर तेरी मम्मी भी निकल में कर तू भी निकल में है ना मम्मी हाँ हाँ मुन्नू तो ठीक बोल लिया हाँ मैं ठीक ही बोल दी ठीक ही बोलता अब मुन्नू क्या करना ही सारा तुसे मीडिया ते लेना मैं 10 दाई सा खर्चा ने चला पाए सब ले मुन्नू मीडिया ते तेल मम्मी जा तुसे मार्चिस लेना मैं 10 दाई सा खर्चा ने ही है छड़ी दिया तीजो कुछ कमांदी नहीं मैं सो ही रहंदी मम्मी जा देखो को क्या मुन्नू की सारे मम्मी आ रही बाहर क्या ठहरा मैं इसे ले आना मुन्नू आइया आदि आदि कुठी मेरी बेटी तुम्हारी बेटी खाने लग रही बड़ाना जल्दी सर दादी सब दी आदि क्यों आया कोई जल्द तू रोना कुछ नहीं आया ऐसा मम्मी जी इसको खाना नहीं आते बनाने आपने क्या सिखाया अपनी बेटी को खाना नहीं आता बनाने झूठ मत बोला करो मेरी बेटी को खाना आता है बनाने आप कैसे बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हारी बेटी को नहीं आता है खाना बनाने इसको नहीं आता खाना बनाने मम्मी जी जरा से खाना बनाती है इसको आती के तुम्हारे साथ अत्याचार करते हैं ये मेरे से दहेज मांगते हैं क्यों तुम इससे दहेज क्यों मांगते हो अरे सर हमने तो थोड़ा सा दहेज मांगा था बस लेकिन क्यों तो देखा आप लोगों ने हमारे समाज में एक लड़की के साथ क्या क्या होता है एक तरफ हमारे समाज में जहां लड़की को माता की तरह पूजा जाता है और दूसरी तरफ लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है ऐसा नहीं करना चाहिए वो भी किसी की बहन किसी की माँ किसी की बेटी है अगर लड़का आन है तो बेटी शान है बेटा अंश है तो बेटी वंश है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बेटी है अनमोल इसका करो तुम मोल धन्यवाद जय हिंद जय भारत मैं लालची पति के रूप में निशा मैं बेटी के रूप में कविता मैं लालची साहस के रूप में प्रीति मैं प्रियंका एक माँ के रूप में मैं दादी के रूप में कोमल मैं पोतरू के रूप में अभिषेक अम्मा मम्मी जी डूब दे मैं लफंगे लड़के के रूप में दीक्षा और पुलिस के रूप में मैं लफंगे लड़के और सूत्रधार के रूप में पायल आरती जल्दी है गया धन्यवाद धन्यवाद नाटक प्रस्तुति जो थी ये हमारे समाज में जो हम ये घटनाएं कई बार देखते हैं तो इसके लिए एक शिक्षा के रूप में हम इनसे सीख ले सकते हैं मैं आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक विकास राणा जी जिन्हें अपनी व्यस्तता के कारण कई बार जाना है और बच सेशन की वजह से इनको शिमला निकलना है तो उन्होंने यहाँ पे युवक मंडल इसके लिए जो समय निकाला ये सिर्फ यही जा रहे हैं